हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। जाटलैंड गढ़ से भाजपा की इकलौती जाट नेता कृष्णा गहलावत जीती, बाकी 5 हारे, मिल सकता है कैबिनेट मंत्री का पद। 20 विधानसभा सीट, 4 जिले, 6 जाटों को टिकट, इकलौती जीत। पूरे प्रदेश की बात करें तो भाजपा ने 16 टिकटों पर जाट प्रत्याशी बनाए थे, जिनमें से 6 टिकट जाटलैंड हुड्डा की गढ़ माने जाने वाले रोहतक व सोनीपत लोकसभा में दिए गए थे। रोहतक सोनीपत लोकसभा की 20 4 जाट जिले सीटों पर केवल कृष्णा गहलावत ही जाट प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कर पाई हैं, बाकी सभी 5 भाजपा प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। जबकि बाकी हरियाणा में 5 अन्य जाट भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, जिनमें महिपाल ढांडा, श्रुति चौधरी, सुनील सतपाल सांगवान, रणधीर पनिहार, उमेद सिंह विधायक बने हैं। हरियाणा में पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत सहित कुल 6 जाट भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। 4 जिलों की 20 सीटों में कृष्णा गहलावत इकलौती जाट विधायक बनी हैं। जी हां, सोनीपत, रोहतक, झज्जर व जींद जिले में 6 जाट चेहरों में से सोनीपत जिले की राय विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत इकलौती ऐसी जाट नेता हैं जो जाटलैंड में भाजपा जाट नेत्री के रूप में कमल खिलाने में सफल रही हैं। बाकी हुड्डा का गढ़ कही जाने वाली जाटलैंड के 2 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें रोहतक लोकसभा व सोनीपत लोकसभा की कुल 20 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा का कोई भी जाट उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं करा सका। भाजपा ने यहाँ 6 जाट चेहरों को टिकट दिया था, जिनमें झज्जर जिले के बादली से कदावर नेता एवं पूर्व भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, बेरी से संजय कुमार कबलाना, रोहतक जिले की महम विधानसभा से दीपक हुड्डा, गढ़ी सांपला किलोई हल्के से मंजू हुड्डा, सोनीपत जिले की राय विधानसभा से पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत, बरोदा हल्के से भाजपा पार्टी से 3 बार सांसद रह चुके किशन सिंह, सांगवान के लड़के प्रदीप सांगवान को भाजपा पार्टी ने टिकट दिया था, जिनके कोई जाट चेहरा नहीं उतरा था। 20 सीटों पर एक महिला सहित 6 जाट प्रत्याशी जाटलैंड की सीटों पर भाजपा ने उतारे थे, जिनमें से केवल राय से कृष्णा गहलावत ही जीत दर्ज करने में सफल रही हैं, बाकी सभी जाट सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से दिल्ली से सटे 20 हलकों में सरकार में जाट बाहुल्य क्षेत्र की हिस्सेदारी कृष्णा के जरिए ही सरकार में रहेगी, इसलिए बन सकती हैं कैबिनेट मंत्री। पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत ने जनसेवा का जज्बा है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की सरकार में एक बोल्ड कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करने का अनुभव है। अखिल भारतीय टेक्सटाइल में चेयरपर्सन, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड चेयरपर्सन के रूप में कार्य करने का अनुभव भी उनके पास है। 20 विधानसभा से इकलौती उच्च शिक्षित जाट विधायक बनी हैं, जो कमल खिलाने में सफल रही हैं। विधानसभा में अच्छे से क्षेत्र की बात प्रभावी ढंग से उठाने की सोच व जज्बा रखती हैं। जातीय समीकरण के साथ साथ महिला जाट नेता होना भी कैबिनेट मंत्री के लिए सार्थक साबित होगा। यूनिट हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।